उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के बिरला चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब कार में सवार होकर आए दो युवकों ने युवक और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक और युवती को उज्जैन के CHL अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों आरोपी अब तक फरार हैं। उज्जैन में आपसी विवाद में दो युवकों ने एक युवक और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए DSP बाथम ने बताया कि जिम के ट्रेनर कमलेश जाट और एक युवती जो कि BJP के पार्षद की बेटी है, दोनों पर जिम संचालक हितेश अखंड और उसके साथी ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में कमलेश जाट के पेट पसली हाथ में और युवती के हाथ में चाकू लगा। दोनों को उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही आगे की कुछ कहने की बात कर रहे हैं। वहीं आरोपी हितेश अखंड और उसका साथी फरार बताया जा रहा है। घायल कमलेश फिटनेस गैराज जिम में ट्रेनर है और युवती BJP की कार्यकर्ता और पेशे से वकील भी है। आज बिरला हॉस्पिटल के पास में कमलेश और उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी, उस पर हितेश अखंड अपनी कार लाल कार से आया और उसमें कुछ कासुनी हुई, जिस पर उसने आरोपी ने सर कमलेश पर पेट में चाकू मारे और लड़की के साथ में उसके हाथ में चाकू मारे, दो तीन चाकू, और एक और साथ में उनके साथ में इरफान था उसके हथेली में चाकू मारे और चाकू मार के फरार हो गए। पुलिस ने इसमें 307 ICC का प्रकरण पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अभी घर पर भी पार्टी भेजी थी ढूंढने के लिए। हाँ, जितनी जल्दी होगा आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, इसमें जो है क्या पहले भी इसमें विवाद हो चुका है? अभी कुछ चीज़ें अभी जांच में इतनी कुछ चीज़ें आई नहीं है, पर यह है कि जिम वगैरह का वो सब कुछ विवाद है इनमें, तो चीज़ें जितनी खुल के आएंगी फिर आपको बताया जाएगा।